good morning kids today we are going to begin with chapter 14 the brook it is a poem you can see the pond as you know in all the chapter you get a ponder in the course book and there are mentioned in the box sea lake pond river and waterfall She, you know lake means where uh, a small area of water that never flows gather water uh, bigger than ponder is known as lake pond is also the same lake is also a stream water flowing water gather at a place is known as lake pond is a digging area of, uh, to collect water a river is flowing area that goes longer and meets in the sea. Waterfall. Water following from the mountains. Is known as waterfall. So here I have mentioned you. At the places. Name of. You can see the sea. The lake. The river. The waterfall. And the pond. While nearly 70% of the world is covered. World is covered by water. Only 2.5%. परसेंट ऑफ इट इज़ फ्रेश दे रेस्ट इज स्लाइन एंड ओसन बेस्ट मीन्स सॉल्टी वाटर इवन देन जस्ट वन परसेंट ऑफ वाटर फ्रेश वाटर आर फ्रेश वाटर इज ईजली एक्सेसबल विच मच ऑफ इज ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स एंड स्नो फील्ड्स बर्फीले एरिए से जो आते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं और वन परसेंट ही होते हैं हाउ एवर वो हमारे लिए सफिशियंट होते हैं ज़्यादातर सब सॉल्टी वाटर हैं क्योंकि Well, three fourths of uh, earth is covered with water, and those are the seas. This poem, the Brook, written by Alfred Tennyson, who bo born in 189 and died in 1892, was a poet, laureate of Great Britain. And Ireland during Queen Victoria's reign. Reign means Sasan है. He began to write poetry at an early age. Here, the poet has written the poem. I read it out. Try to understand. Learn all the word meanings. I have not given the word meaning in the notes copy. You copy down from the book.

वो खुद कह रहा है कि मैं आवाज़ के साथ बहता हूँ बहता हूँ और मुझे नदी में मिलना होता है ब्रेमिंग माने फिल और बी फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग मतलब तेजी से बढ़ करके नदी में मिलने जाना है मुझे आदमी लोग रुक सकते हैं पर मैं नहीं रुक सकता मुझे हमेशा आगे बढ़ना है फॉर एवर जिस पोयम के स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे फ्लो के बाद गो मैच कर रहा है एक लाइन के बाद दूसरा में रिवर के बाद फॉर एवर मैच कर रहा है फ़्लो गो रिवर फॉर एवर रेगुलर नहीं है फ्लो यहाँ पे गो रहता या फिर यहाँ पे फ्लो एंड यहाँ पे गो रहता या फिर यहाँ पे रिवर रहता यहाँ पे फॉर एवर रहता ऐसे ऐसे राइमिंग पैटर्न को कहते हैं ये ए सी बी डी ए सी बी डी अंडरस्टूड ये राइमिंग पैटर्न हो गया जिसे कहते हैं हम राइम स्कीम राइम स्कीम सेकेंड इज आई वाइंड अबाउट आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ blossom sailing and एंड and एंड देयर अस्ट्री ट्राउट एंड here एंड देयर अ ग्रेलिंग ये लस्ट्री ट्राउट एंड ग्रेलिंग is a फिश वो जब कहता है स्ट्रीम कि जब मैं नदी में जाता हूँ विंड अबाउट मतलब बहुत तेजी से बढ़ के जाता हूँ तो वहाँ मुझे ब्लॉसम फ्लावर और बंच खूब ढेर सारे फूल पत्ती नदी में होते हैं न उगे हुए वो मिलते हैं और मछलियाँ मिलती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं जिसका नाम है लस्टी ट्रॉट और ग्रेलिंग आई स्टिल बाय लॉन्स इन ग्रासी प्लॉट्स स्टिल बाय स्टिल माने चोरी करना लेकिन यहाँ का मतलब है कि कवर करना वो जल्दी से बढ़ता है तो सबको कवर अप करते जाता है ग्रासी प्लॉट्स जो घास वाला एरिया है उसे भी ले लेता है आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स हेजल मतलब पेड़ पौधे जिसमें फल लगे होते हैं मीनिंग मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं क्वेंसी यहाँ पे कवर्स मतलब फॉरेस्ट होता है एंड स्लाइड बाय स्लाइड मानी उन्होंने फिसलना होता है यहाँ पे स्ट्रीम का कहने का मतलब मैं बहता हुआ जो नदी जो बहती है सारे जंगल से होते हुए गुजरती है फॉलगेट मी नोट्स एक प्लांट है उसको बहाते हुए ले जाती है अपने में ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स उसमें उपजता है नदी में जो बहुत सुंदर लगता है आई स्लीप एंड स्लाइड फिर से तेजी से चलना स्लीप एंड स्लाइड आई ग्लू माई ग्लैन समंग माई स्कीमिंग स्वलोज आई मेक द नेटेड सन बीम डांस अगेन माई सैंडी स्व सैलोज फिर मैं तेजी से बढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ यू कैन सी दी मीनिंग एस्किमिंग पासिंग ओवर सरफेस नियर बाई लाइटली टचिंग इट इन दी प्रोसेस नेटेड माने ट्रैप्ड सेलोज एन एरिया ऑफ द सी एंड लेक रिवर वेयर दी वाटर इज नॉट वेरी डीप सैलो एरिया से गुजरता हूँ फिर तेजी से गुजरता हूँ स्लाइड एंड स्लाइड वो नदी में मिल करके स्ट्रीम बह रहा है एस्ट्रीम इज यू नो ना द वाटर फ्लोविंग फ्रॉम द रिवर फ्रॉम द माउंटेन माउंटेन से गिर करके नदी में बहुत तेजी से मिल रहा है इसमें भी तुमने देखा ग्लैंस डांस स्वेलोस सैलोस ये भी और स्टेंजा नंबर फोर भी आपका राइमिंग स्कीम इसका है ए सी बी डी ए सी बी डी अच्छा सेकेंड का भी ए सी बी डी ए सी बी डी ए सीबीडी अब आते हैं आई मुरमुर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली वाइल्डर ने आई लिंगर बाय माय सिंगली बार्स आई लोइटर राउंड माय क्रेसिस यहां पे लिंगर एंड रोयटर का मीनिंग नहीं दिया हुआ है लिंगर एंड रोयटर मतलब स्लो हो जाना मुरमुर माने यहाँ देखो मटर ग्रम्बलिंग थोड़ी आवाज़ मेरी धीरी हो जाती है मतलब रात में सन में यहाँ पे ये लाइन को सन को कह रहा है स्किमिंग सैलोज नेटेड सन बीम सूरज मतलब दिन में बहुत तेजी रहता हूँ स्लीप एंड स्लाइड और रात में मैं स्लो जब सन लाइट में आता हूँ मून लाइट में तो स्लो हो जाता हूँ एंड आउट एंड अगेन ये लाइन लिंगर एंड लोटर बता रहा है दैट दी रिवर गेट स्लो And out again I curve and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Mm -hmm. फिर मैं sunbeam mein तेज ho jata hu moonlight mein slow ho jata hu but I, and out again I curve and flow. फिर घट्टे से होते हुए ऊपर से बहता जाता हूँ, up down से होते हुए, to join the brimming river. Brimming बहुत चमकीला रिबम ब्रीमिंग मतलब चमकीला फिल ऑफ फुल ऑफ द पॉइंट ऑफ ओवर खूब भरी हुई नदियाँ चमकीली ब्राइटनिंग बहुत तरह से रिवर में मिल जाता हूँ फॉर मेन में कम एंड मेन में, 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 में गो आदमी आ सकते हैं जा सकते हैं पर मुझे तो हर समय बढ़ते रहना है ये कौन कह रहा है एक स्ट्रीम एक झरना जो पहाड़ों से गिर करके नदी में मिलती है और इतनी साजी चीज़ें उसे नदी में मिलती हैं वो बहती जाती हैं इन दिस चैप्टर बेस्ड ऑन देंजाज गिवेन ए बी ए बी दिया हुआ है आपका मैंने जिसको ए बी सी डी बोला तो एक एक लाइन को ए बी ए बी से मैच कराया जैसे आ, फ्लो ए इसके साथ बी जाएगा सॉरी फ्लो के साथ ये बी जाएगा तो ये ए हो गया ये भी ए हो गया ए बी और ये बी ये सारे राइमिंग इस इस स्कीम क्या हो गए ए बी ए बी इसके राइमिंग इस स्कीम क्या हो गए ए बी ऐसे राइमिंग स्कीम अगर हम इसको ए कहते हैं तो ये बी के साथ जाएगा ये ए के साथ जाएगा ये बी के साथ जाएगा सेम इज़ दैट आउट के साथ कौन जाएगा ट्राउट जाएगा और ये सेलिंग के साथ ग्रेलिंग जाएगा समझ में आया आपको प्लॉट्स के साथ नोट्स जाएगा एंड कवर के साथ कवर्स के साथ लवर्स जाएगा तो ये भी ये भी हो गया ये राइमिंग स्कीम है ग्लेंस के साथ डेंस जाएगा एंड स्वेलोज के साथ सेलोज जाएगा दिस इज राइमिंग स्कीम ऑफ दी दोयम स्टार्स के साथ बार्स जाएंगे एंड वाइल्डरनेसेस के साथ क्रेसेस जाएंगे आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन टू से राइमिंग स्कीम मतलब किस तरह से राइम कर रहा है फ्लो के साथ गो जाएगा एंड रिवर के साथ फॉर एवर जाएगा तो राइमिंग स्कीम क्या हो गया इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है ए बी ए बी ए बी ए बी नाव हियर कम्स द क्वेस्टन आंसर आई हैव टेकन ओनली दिस मच नथिंग मस्ट टू टेक बहुत हेवी हो जाएगा दैट्स वाई मैंने डिपेंड ऑन दी स्टैंड आई हैव रिटर्न ऑल आंसर्स हियर और विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स सो नीड नॉट टू राइट ऑल दिच आप खाली कुछ करना होगा लर्न दी पोएम बाई हार्ट देन रिसाइट द यूजिंग राइमिंग एक्सप्रेशन इसको आप कर लेना थ्री टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये होमवर्क आप कर लेना पोएम याद करना है और ये मैं नोट्स के तौर पे दूंगी वर्ड मीनिंग आपको लिखना है ये सारे वर्ड मीनिंग ये सारे वर्ड मीनिंग और ये सारे वर्ड मीनिंग आपको नोट्स कॉपी में पहले लिख करके तब क्वेश्चन लिखना है राइट right?

सेम लेटर से जैसे कि फ्लाई फ्लिप तो वैसे अब दिस इज दी नो, दिस इज नोन एज एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ दर्ड इन अ अंटेंस एक सेंटेंस में एक ही वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यहाँ पे आपको नाइन यहाँ पे गिव इन इंस्टेंसेज ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम दोयम पोयम में से जो भी आपको एलिट्रेशन मिल रहा है वो यहां पर लिखना है जैसे जैसे चैटर चैटर गिन विथ सेम लेटर बहुत सारे वर्ड आएंगे विंड विथ स्टील स्लाइड ग्रासी ग्रो स्लीप स्लाइड ग्लूम भी आएगा ग्लासी के साथ सैंडी सैलो सनबीम स्कीमिंग मुरमुर मुरमुर के साथ नहीं आ रहा है लिंगर loiter, शैलो के साथ सिंगली भी आ रहा है विंड के साथ wildernesses भी आ रहा है ब्रीमिंग के साथ भी कोई बर्ड आ रहा है क्या सी ब्रीमिंग नहीं आ रहा आप देख लेना जो वर्ड स्टार्ट होता है मन करेगा तो लिखना नहीं मन करेगा नहीं लिखना दैट्स नॉन ऑफ योर दैट्स नॉट सो ये बट डेफिनेशन्स याद कर लेना ओके एंड पोएम इट्स गुड राइट दी नोट्स बट कॉपी डाउन दी वर्ड मीनिंग ऑफ योर ओन फ्रॉम द बुक ऑल दी वर्ड मीनिंग वेरी ब्यूटिफुल वर्ड मीनिंग्स गिवेन दिस क्वेश्चन आंसर इज नॉट एसेंशियल टू राइट इट विल बी गिवेन इन दी नोट्स कॉपी राइट so don't fill in the book because it will become dirty okay see you in the next class bye for now